फ्रेंड्स, आई एम वंदना मुखर्जी। वेलकम टू वंदनास किचन। आज हम बनाएंगे नमकीन पोहा पुलाव। ये रेसिपी वेजिटेरियन आइटम है। ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये बच्चे बड़ों सबकी पसंद है। बच्चों को स्कूल टिफिन में, सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। तो चलिए, ये रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। नमकीन पोहा पुलाव बनाने के लिए पोहा 150 ग्राम ली है। एक टमाटर, इसको छोटा छोटा पीसेस में काट के रखे हैं। फूलगोभी 2-4 पीस टुकड़ा लेके उसी को हम छोटा छोटा पीसेस बनाया। आलू एक लेकर इसको लंबा लंबा साइज में काट ली है। और ये आलू और फूलगोभी दोनों को हम हाफ बॉयल करके रखे हैं। हरा मटर 10-12 पीस लेके उसको छिलका निकल के हम रखे हैं। आप चाहे तो ऐसे मटर ले सकते हैं जैसे मार्केट में मिलता है, उसी को भिगो के बॉयल करना है। ग्रीन चिलीज 2 लेकर इसको चॉप की है। धनिया पत्ता थोड़ा सा रखे हैं। अदरक 1 बड़ा चम्मच दरदरा पीस लिए हैं। करी पत्ता थोड़ा सा रखे हैं। 1 सूखा मिर्च रखे हैं। कुकिंग ऑयल, जो सनी लाइट हम यूज़ करते हैं, वही रखे हैं। हल्दी रखे हैं और यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार, सरसों रखे हैं 1/2 चम्मच। तो चलिए हम नमकीन पोहा पुलाव बनाते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। एक कढ़ाई ले लिया, तेल डालते हैं 1 चम्मच, 2, चार चम्मच हम तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म होने के बाद हम बनाएंगे। तेल गर्म हो गया, सरसों और मिर्ची जो रखे हैं डाल देते हैं। थोड़ा सा भून लेती है। करी पत्ता डाल देते हैं। फूलगोभी डाल देते हैं और आलू डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये तो हाफ बॉयल हुआ है, इसको कलर थोड़ा सा चेंज होगा। के ऊपर हम हल्दी डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है। इसको थोड़ा भूनेंगे हल्का सा। ये कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर इसको हम अदरक डालते हैं। तेल के ऊपर हम अदरक नहीं दिए, इसलिए अदरक की जो स्वाद है ये अच्छा लगता है। तेल में डालने से जल जाते हैं, तो ये रेसिपी में हम अदरक आलू गोभी के ऊपर ही डालते हैं। टमाटर डालते हैं, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे। डालते हैं मटर।
हम गैस की लो फ्लेम में कर दी है और अभी पोहा जो है थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। ऐसे पोहे के ऊपर पानी डालते हैं, फिर पानी डालने के बाद इसको ज़्यादा हम भिगाएंगे नहीं तो गल जाते हैं पोहा। तुरंत इसको उठा लेती है पानी निचोड़ के। पोहा को डाल देते हैं। नमक डालते हैं, नमक डाल दिए हैं, ग्रीन चिल्लीस डाल दिए हैं, धनिया पत्ता डाल दिए हैं। सब एक साथ अच्छा से मिक्स कर देते हैं। ये तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। पोहा डाल के इसको एक साथ मिला के थोड़ा सा भून के हम गैस बंद कर देते हैं। पोहा को ज़्यादा नहीं भूनते हैं क्योंकि पोहा भूनने के बाद इसको चावल हो जाते हैं, जैसे कड़क लगते हैं पोहा, इसलिए मिक्स करने के बाद हम छोड़ देते हैं। नमकीन पोहा पुलाव रेडी हो गया। सब्सक्राइब और लाइक करना मेरे चैनल को ना भूलें।